हे गाइस, वेलकम टू टुडे। और आप सब अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूँ। सो आज की वीडियो में हम आप टाइटल देख पा रहे होंगे, मॉर्निंग वोकैब्स। सो दैट मीन्स मैं आपके लिए वोकैबुलरी लेके आया हूँ। और आज हम देखेंगे 10 टू 12 वर्ड्स देखेंगे, लेकिन इस 10 टू 12 वर्ड्स में हम आपको अप्रॉक्सीमेटली 30 के अप्रॉक्स वर्ड्स कराऊंगा, ठीक है ना। तो जो आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे अगर आप कोई से भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो। अगर आप हमें कोई टच या आपको कोई गाइडेंस चाहिए, आपको कोई इशू है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, दैट इज डिफेंस अंडरस्कोर बाबा। और टेलीग्राम पे आप हमें जो पीडीएफ नोट्स होते हैं, जैसे अभी रिसेंटली मैंने सीडीएस के लास्ट 10 टू 12 ईयर के जीके के जीएसके या जीए बोलिए, जनरल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज के जो पेपर्स थे, वो मैंने एक सीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल है जो एजे टुडे अंडरस्कोर टुडे, इस पर मैंने अपलोड कर दी थी। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए ताकि आप इन चीज़ों को ले पाएँ, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहला वर्ड है ऑब्नॉक्सियस। तो देखिए, ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा भद्दा टाइप होना। भद्दा टाइप मतलब घृणित टाइप का होना, ठीक है ना। तो मैं आपको हिंदी में भी दूंगा और इंग्लिश में भी बताऊंगा। इसे हम बोलते हैं घृणित होना किसी से, या फिर हम होना अप्रिय, जिसे हम हिंदी बोलते हैं ना, बिल्कुल आपको बिल्कुल अच्छा ना लगे वो चीज़, ठीक है ना, जिसे आप देख के खुश ना हो। जैसे कोई, अगर आप कोई पर्सन है जो जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, वो आपके सामने आए तो आप जस्ट यू फील जस्ट ऑकवर्ड सिचुएशन, है ना। तो आपको जो फील होता है वो अप्रिय या अघृणित होता है मतलब, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्कस्टिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिस्कस्टिंग। डिस्कस्टिंग मतलब अप्रिय अघृणित। लेकिन इसके साथ अलावा उसके और क्या वर्ड्स होते हैं, तो एक आता है ओडियस, ओ डी आई ओ यू एस, ओडियस, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, ओडियस। और क्या हो सकता है, जो मोस्ट कॉमनली लैंग्वेज में बोलते हैं अनप्लेजेंट, हम बोलते हैं मोस्ट कॉमनली लैंग्वेज में अनप्लेजेंट बोलते हैं। ऑब्नॉक्सियस हो गया, ऑडियस हो गया, अनप्लेजेंट हो गया, और हमने बोला बहुत ही ज़्यादा, मैंने आपको देखो यहाँ पे जोर लगाया बहुत ज़्यादा, तो आप इसको अनप्लेजेंट का एक्सट्रीमली भी लिख सकते हो। और बेसिकली अगर आप बोलो अनप्लेजेंट तो वो सही है। ऑब्नॉक्सियस का मतलब क्या होता है, घृणित होना, अप्रिय होना, जैसे हम डिस्कस्टिंग, यहाँ पे जो आंसर होगा डिस्कस्टिंग होगा। और क्या कह सकते हैं, ऑडियस, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट। अब दूसरे वर्ड की तरफ चलते हैं, कोविनेंट। कोविनेंट का मतलब होता है किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होना, अनुबंधन होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, ठीक है ना। किसी के साथ क्या करना, अनुबंधन करना, कि आपके साथ मेरा डील है मतलब, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करना, डील करना। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख गया होगा, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर होगा, जिसका मतलब क्या होता है, कोविनेंट का मतलब क्या होता है, किसी से अनुबंधन करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, डील करना किसी के साथ। तो आपका जो कोविनेंट का आंसर क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट या डील, ठीक है ना। अब और क्या कह सकते हैं, डील के अलावा क्या कह सकते हैं इसे, इसे कह सकते हैं आप लीज, एग्री बाय लीज, एग्री बाय लीज भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है ना। डील हो गया, एग्री बाय लीज हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉविनेंट का मतलब क्या, अनुबंधन करना किसी के साथ, ठीक है ना। अब आते हैं डिफरेंस। भाई यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, जब भी आप कभी पेपर में जाओगे तो एक आता है डी आई डबल एफ ई आर ई एन सी ई, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है चीज़ें अलग अलग होना, उनमें भेद होना, ठीक है ना, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भेद होना, या चीज़ें अलग अलग होना, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिफरेंस है, डी ई एफ ई आर ई एन सी, डिफरेंस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी की रिस्पेक्ट करना, ठीक है ना। अच्छा एक और चीज यहाँ पे, चलो अभी इसको खत्म कर लेते हैं। डिफरेंस का मतलब होता है किसी की रिस्पेक्ट करना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन थर्ड आपको दिख रहा है कि किसी की रिस्पेक्ट करना, आदर करना किसी का, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, किसी का क्या है, आदर करना, रिस्पेक्ट करना, और डिफरेंस का मतलब क्या है, किसी की रिस्पेक्ट करना। और क्या कह सकते हैं इसे, तो बहुत कुछ कह सकते हैं जो एग्जाम आते हैं, जिसका मतलब एक रेवर, ठीक है ना। एक हो गया रेवर, दूसरा हो गया आपका डिफरेंशियल। डिफरेंशियल मतलब होता है किसी का आदर करना। और क्या कह सकते हैं, एक और चीज कहते हैं इसे, वेनरेशन, पी एन ई आर ए टी आई एन, वेनरेशन। तो वेनरेशन का मतलब क्या है, आपका आदर देना। डिफरेंशियल का मतलब भी होता है आदर देना, रेवर का मतलब भी होता है आदर देना, और डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, आदर देना हो गया, रिस्पेक्ट करना, ठीक है ना। और अगर और इसको और अच्छी तरीके, अब मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हम वर्ड मीनिंग देखते हैं तो हम पर्टिकुलर वर्ड मीनिंग, एक पर्टिकुलर वर्ड की पर्टिकुलर मीनिंग नहीं देखते हैं, ठीक है ना। हम क्या देखते हैं, उसका तो सेंस। जैसे अगर हम डिफरेंस की बात करें तो पोलाइट एंड सबमिशन कह सकते हैं, पोलाइट, पोलाइट सबमिसिव एंड रिस्पेक्टेड,
तो इस तरह से हम ना बोल के हम सीधे आदर की बात करते हैं। आदर का मतलब जैसे हम किसी इसमें हम किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जैसे रेवर हो गया, डिफरेंशियल हो गया, वेरिएशन, इनका मतलब भी सेम सेंस आता है रिस्पेक्ट का, ठीक है ना। तो गाइज इनकी मीनिंग बहुत अलग अलग होती है, ठीक है ना। जैसे अगर मैंने आपको कभी आपने मेरी पहली वीडियोस जो भी अच्छा अच्छा पे ही मैंने बताया था कि पीके में हर अच्छा का मीनिंग अलग अलग होता है, लेकिन हम एक सेंस में लेते हैं कि अच्छा बोला उसने। तो वैसे ही डिफरेंस का क्या है कि आदर है, रिस्पेक्टेड, रेवरी, डिफरेंशियल, वेनरेशन, इनका मतलब भी क्या होता है, डिफरेंस होता है। अच्छा, एक कई बार लड़के कन्फ्यूज हो जाते हैं जब आप एग्जाम देने जाते हो, तो एक कई बार आता है डेफर। यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे डेफर है। तो डेफर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिले होना, याद रखना डिले, लेट। गाइज ये याद रखना कि यहाँ पे डेफर है, अगर डेफर आता है तो इसका मतलब होता है डिले, लेट हो जाना, ठीक है, डिले करना किसी चीज पे या लेट हो जाना। और डिफरेंस आता है तब इसका मतलब रिस्पेक्ट, आदर होता है, रेवर, डिफरेंशियल और वेनरेशन, इसके क्या सिनोनिम्स आप मान सकते हो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना, खत्म करना, ठीक है ना। और इसके तो बहुत ज्यादा सिनोनिम्स हो सकते हैं, जैसे अबॉलिश, किसी चीज को अबॉलिश करना, रिवोक करना, REVOKE, रिवोक, खत्म करना, ठीक है ना। और एक और चीज होती है रीअपील, ठीक है ना, रीअपील। रीअपील का मतलब होता है किसी को खत्म करना, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है ना। मोस्ट कॉमनली लैंग्वेज में बोलूं तो डिस्ट्रॉय करना। एब्रोगेट का मतलब क्या, अबॉलिश, रिवोक, रीअपील, डिस्ट्रॉय, ठीक है ना। तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे, एब्रोगेट का मतलब क्या होता है, खत्म करना किसी को। इंटरपीड, इंटरपीड क्या होता है, जो किसी से डरने वाला नहीं होता, उसे बोलते हैं हम इंटरप्रीट, जो बिल्कुल किसी से डरता नहीं है। तो क्या आ जाएगा आंसर, फियरलेस, ओके। जो किसी से डरता नहीं है उसे बोलेंगे हम, जो इंटरप्रीट करता है जो बिल्कुल नहीं डरता उसे हम बोलते हैं फियरलेस। अच्छा, एक और चीज याद रखना, डाउंट, DAUNT, डाउंट। डाउंट का मतलब क्या होता है, जो डरता है, मतलब डरना, डराना, डराना, ठीक है ना, डराना, डरना, ठीक है ना। और डाउंटलेस बोल दूं तो, जो बिल्कुल नहीं डरता, तो डाउंटलेस का हो गया, डाउंटलेस भी इसका क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया। तो आप फियरलेस के साथ क्या बोल सकते हो, डाउंट, DAUNT, डाउंटलेस। आप अपनी कॉपी पे नोट्स बनाते रहें, ठीक है ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आपको इतनी हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ। ग्रैंडियर, ग्रैंडियर का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा विशाल टाइप का, बहुत ही ज़्यादा आप किसी चीज़ को बताओ कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, एकदम विशाल का है। तो मैग्निफिसेंस इसका एक तो आंसर हो गया, जब मैंने आपको बताया मैग्निफिसेंस मतलब, इसका मतलब क्या हो गया, ग्रैंडियर का मतलब क्या, तो जिसे हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा होना। जैसे अगर हम उसे हिंदी में बोलें तो वैभव, आपने सुना होगा वैभव। तो अगर वैभव बोलें, ग्रैंडियर का मतलब मैग्निफिशेंस, हम इसको हम अगर हम देखना चाहें तो इसको और क्या कह सकते हैं, स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड, स्प्लेंडर, स्प्लेंडर बोले, स्प्लेंडर बोलो, स्प्लेंडिड बोलो, मैग्निफिशेंस हो गया, मैग्निफिशियंट हो गया। तो मतलब क्या हो गया, इनका एक ही होता है, ठीक है ना, मैग्निफिशेंट, स्प्लेंडी, स्प्लेंडर। तो आपको यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं इंसेप्शन। इंसेप्शन होता है किसी चीज की ओरिजिन होना, मतलब किसी चीज का कोई पॉइंट जहां से वो क्या होते हैं, अपने आपको ओरिजिन होते हैं, जहां से वो निकलते हैं, ठीक है ना। तो आरंभ होना, जैसे हम बोलते हैं किसी चीज का आरंभ हो रहा है, कहां से आरंभ हो रहा है, जैसे ब्रह्मांड की बात करें तो इंसेप्शन कहां से हो रहा है उसका, ब्रह्मांड का हमारा, है ना, हमारी जो गैलेक्सी है उसका इंसेप्शन कहाँ से हो रहा है। तो इंसेप्शन का मतलब होता है ओरिजिन, ओरिजिन मतलब, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आंसर क्या हो गया, 4, ठीक है ना। लेकिन और क्या कह सकते हैं इसका, कॉग्नेट, कॉग्नेट, कॉग्नेट मतलब क्या होता है, किसी चीज की ओरिजिन के बारे में बात होती है। पैराडॉक्स, अब बात करते हैं पैराडॉक्स के बारे में। तो पैराडॉक्स क्या होता है, पैराडॉक्स मतलब कंफ्यूज होना किसी चीज को लेकर, कंफ्यूज, ठीक है ना, किसी चीज में फंस जाना। तो बेसिकली इसका आंसर है, कंफ्यूज कब होते हैं हम, कंफ्यूज होते हैं जब कोई कोई पजल टाइप की चीजें होती हैं हमारे साथ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पजल। पैराडॉक्स का मतलब क्या हो गया, पजल, ठीक है ना गाइज। और इसको क्या करेंगे हम, अब इसके बारे में और क्या कह सकते हैं, देखो पजल की अगर मैं बात करूं, पजल को, पजल को हम और क्या क्या कहते हैं, रिडल, लिब्रिनिथ, नॉन प्लस्ड, ठीक है ना। और कंफ्यूज को क्या बोलते हैं हम, कंफ्यूज को बोलते हैं बिविल्डर। ओके गाइस, तो आप इन चीजों को ध्यान रखना, ठीक है ना। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट कॉमनली वर्ड्स बता रहा हूं आपको, बिविल्डर जैसे भी पूछा भी गया था,
ठीक है ना, सीडीएस के पेपर में नॉन प्लस लेबरिनिथ रिडल इस तरह की चीजें आपको मिल जाती हैं। तो पजल को हम लिखते हैं रिडल, लेबरिनिथ नॉन प्लस, कंफ्यूज को लिखते हैं बिविल्डर, एक और चीज होती है गार्बल, ठीक है ना। तो ये सब चीजें क्या होती हैं आपके लिए देखिएगा। तो पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, पैराडॉक्स मतलब है जहां पे आप कंफ्यूज हो जाओ, कंफ्यूज मतलब पजल, पजल पजल की क्या हो सकती है, रिडल, लेबरिनिथ, नॉन प्लस, बिविल्डर, गार्बल। तो आप इन चीजों को भी याद कर सकते हो। जैसे मैंने कहा है कि आपको यहाँ पे सेंस देखना होता है कि हाँ इसका मतलब ये होता है और इससे रिलेटेड ये चीजें आती हैं। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर मीनिंग नहीं ढूंढना होता जब आप वोकेबुलरी की तैयारी कर रहे होते हो, इस बात को मेरी ध्यान रखना, ठीक है ना गाइज। प्रोफिलेरेट, प्रोफिलेरेट का मतलब क्या होता है, कोई एकदम से रैपिडली इंक्रीज होना, रैपिडली इंक्रीज होना किसी चीज में, एकदम से बहुत ज्यादा ग्रोथ आना। जैसे सपोज ये कोई कांस्टेंट है और एकदम से ग्रोथ आ गई, तो इसको बोलते हैं प्रोफिलेरेट होना। तो प्रोफिलेरेट का मतलब क्या हो गया, प्रोफिलेरेट का मतलब रिप्रोड्यूस करना, एकदम रैपिडली, रैपिडली तरीके से बढ़ना किसी चीज का। तो रैपिडली इंक्रीज या फिर रैपिडली रिप्रोड्यूस बोलोगे आप, एकदम से किसी चीज को बढ़ाना, रिप्रोड्यूस करना एकदम से, ठीक है ना गाइज। नेक्स्ट देखते हैं सेंश्योर, सेंश्योर मतलब होता है किसी चीज को क्रिटिसाइज करना। देखो यहां पे एक चीज आना, सेंश्योर और सेंसर, ठीक है ना। देखो सेंसर आपने देखा होगा, सेंसर बोर्ड होता है हमारा एक, है ना, सेंसर बोर्ड होता है जो आपत्तिजनक चीजें दिखा क्या करता है, मूवीज से हटाता है, जिसे हम बोलते हैं सेंसर बोर्ड होता है, आपको पता ही होगा, स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है ना। सेंसर बोर्ड, तो सेंसर बोर्ड क्या होता है, जो आपका आपत्तिजनक चीजों को क्या करता है, सॉरी थोड़ा सा हिंदी में हाथ मेरा थोड़ा सा खराब है। तो सेंसर बोर्ड क्या होता है, जो आपकी आपत्ति चीजों का क्या करता है, आपको जैसे सेक्सुअल सेक्सुअल जो चीजें होती हैं उनको क्या करता है, रिमूव करता है वो सेंसर बोर्ड, उसकी मूवी देखता है फिर उसमें से उन सीनों को क्या करता है, डिलीट करता है। तो वो काम कौन करता है, सेंसर। अरे क्या है, सेंस्योर। तो सेंस्योर का मतलब होता है किसी चीज को क्रिटिसाइज करना, क्या करना, किसी चीज को क्या करना, क्रिटिसाइज करना किसी चीज को, क्या करना, तो सेंश्योर का मतलब था किसी को क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज मतलब उसके बारे में भला बुरा कहना, उसके बारे में गलतियां चीजें बताना, ठीक है ना। तो उसको बोलेंगे हम सेंश्योर, जिसे हम बोलते हैं सेंश्योर का मतलब किसी चीज को क्या करना, निंदा करना किसी चीज की, निंदा करना। उसमें मैं आपको ढंग से समझा चुका हूँ इंसेप्शन, ओरिजिन, कन्फ्यूज, ठीक है ना। और डेलीजेंट, डेलीजेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा जो हार्डवर्क होता है, जिसे हम बोलते हैं ना ये बालक बहुत अच्छा है, मतलब बहुत मेहनत करता है, बहुत ज्यादा वो है, लेबोरियस है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियस हो गया, लेबोरियस हो गया, ठीक है ना, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। तो डेलीजेंट का मतलब जो बहुत ज्यादा हार्डवर्क होता है, मेहनती बोलते हैं जिसे, मेहनती, तो होता है डेलीजेंट, ठीक है। डेलीजेंट का मतलब क्या होता है, लेबोरियस, लेबोरियस और या फिर इंडस्ट्रियस, तो आपको इसको याद रखेंगे डेलीजेंट में। कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन क्या होता है, कंटेम्पलेशन होता है किसी चीज को चिंतन मनन करना, चिंतन मनन करना, चिंतन मनन मतलब किसी चीज से विचार करना। आप जैसे वो देते हो ना, सोचते हो किसी चीज के बारे में, तो उस चीज के बारे में होता है कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन चिंतन विचार। तो क्या हो गया यहाँ पे, क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो चिंतन मनन विचार करना, तो चिंतन मनन विचार करने का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, ध्यान लगा रहे हो, ठीक चीज को सोचोगे कब आप, देखो सेंस की बात कर रहा हूँ, सोचोगे कब, विचार कब करोगे, किसी चीज को बैठ गए सोचोगे, तो मतलब इसका मतलब क्या, ध्यान दे रहे हो, फोकस, यू आर फोकसिंग ऑन दैट थिंग। तो उसका मतलब क्या आ जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, मेडिटेशन, मेडिटेशन। अच्छा यहाँ पर अगर आप कंफ्यूज हो तो कैसे, स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है, गैस करना चीजों को, यहाँ पे विचार नहीं कर रहे हो आप, यहाँ पे गैसिंग कर रहे हो कि हाँ ये हो सकता है, ये आंसर ये हो सकता है। डेलीबरेट क्या होता है, डेलीबरेशन मतलब जान बूझ कर चीजें करना, वो सब देखो यहाँ पे अगर मैं वो सब डिस्कस करूंगा तो ज्यादा टाइम कंजप्शन होगा। आप कमेंट करके बताना कि मैं आपके लिए जो ये चार वर्ड्स हैं इनको भी डिस्कस करूं या नहीं करूं, जो ऑप्शंस में दे रखे हैं, ठीक है ना। ये सब टू यू, अगर आप चाहते हो तो मैं उनको भी डिस्कस करूंगा, अदरवाइज हम वर्ड्स को ही डिस्कस करेंगे जो दे रखा है। तो चिंतन मनन विचार करना, तो चिंतन मनन यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन था वो क्या है, मेडिटेट करना, चिंतन करना, उस पर विचार करना, उस पर फोकस करना, है ना। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन आ गया उसे हम बोलेंगे मेडिटेशन। अच्छा एक और चीज यहाँ पे और क्या बोल सकते हैं, तो इनविसेज बोलते हैं, इनविसेज सोचना, चिंतन करना, विचार करना, इसका मतलब ही क्या होता है, इनविसेज। अच्छा अगर मैं इसको idiom पे ले जाके बात करूं तो क्या होता है, गिव अ सेकेंड थॉट बोलते हैं, गिव अ सेकेंड थॉट,
तो इसका मतलब गिव अ सेकंड थॉट का मतलब भी क्या होता है कि भाई जो आपने चीजें हैं उसको क्या करो, एक बार दोबारा सोचो उस पर, चीजें सोचो, ठीक है ना। अच्छा अब देखो एक चीज समझाता हूँ, जो ज्यादा सोचता है ना उसके चेहरे से दिखता है कि वो क्या कर रहा है, सोच रहा है चीजों को। और अब वो तो यार ये तो बहुत सीरियस हो रखा है, ये वो सोच रहा है, हम बोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रूमिनेंट लुक बोलते हैं, रूमिनेंट, रूमिनेंट लुक बोलते हैं। तो रूमिनेंट भी बोल सकते हो आप, रूमिनेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा सीरियस रहना, सीरियस टाइप रहना, चुपचाप रहना वाला, जैसे बोलते हैं ना रूमिनेंट, तो उसे बोलते हैं रूमिनेंट बोलते हैं। अगर और कोई इसी को, इसी चीज को हम कोई और लुक बोलना तो पेंसिव लुक भी बोलते हैं, पेंसिव, पेंसिव लुक हो गया, रूमिनेंट लुक है जो बहुत ज्यादा सीरियस रहता है, चुपचाप आता है, लगता है कि वो कुछ सोच रहा है, तो उसे बोलते थे हम रूमिनेंट लुक, पेंसिव लुक। और कंटेम्पलेट का मतलब क्या बताया मैंने आपको, कंटेम्पलेट का मतलब बताया कि जो चिंतन करना, विचार करना, किसी चीज को सोचना। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या हो गया, मेडिटेशन। लेकिन कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है इनविसेज का, तो इनविसेज का मतलब भी होता है कंटेम्पलेट करना, किसी चीज को सोचना, विचार करना। अब आता है नेक्स्ट, आता है अडल्टेशन। अडल्टेशन का मतलब क्या होता है, मिक्स करना किसी चीज को, मिलावट करना जिसे हम बोलते हैं मिलावट, ठीक है ना, अडल्टेशन। तो क्या यहाँ पे क्या आ गया, अडल्टेशन क्या हो गया, मिलावट करना इसी चीज में, एक हो गया मिलावट करना हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे देखेंगे तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, फ्लैटरी। देखो अब यहाँ पे साइंस में आपको बताना चाह रहा हूँ कि अडल्टेशन का एक मतलब क्या होता है, फ्लैटरी, चापलूसी करना भी होता है। चापलूसी क्या होती है कि हम किसी के साथ क्या करते हैं, उसमें जबरदस्ती चीजें मिला मिला के हम उसको चीज को शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो अडल्टेशन का मतलब मिलावट या फिर चापलूसी करना, चापलूसी, फ्लैटरी, इस चीज को याद रखना। अगर इसी से अब देखो यहाँ पे कई बार हम कंफ्यूज आते हैं, लेट मी मेट अ न्यू पेज, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो अडल्टेशन आता है, देखो अडल्टेशन आता है, अगर अडल्टेशन आता है तो अडल्टेशन का एक तो आता है किसी चीज में मिलावट करना, मिक्सिंग करना, या फिर क्या करना, फ्लैटरी करना, ठीक है। अगर आपको अडल्ट्री आता है तो इसका मतलब था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आप जानते हो, जैसे किसी के शादी हो रखी है लेकिन हस्बैंड वाइफ किसी और के साथ रिलेशनशिप में आता है, उसको बोलता है अडल्ट्री, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। और इसको अभी रिसेंटली हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, जो वुमेन्स है उनको इससे ये कहा था कि ये क्या होगा, एक क्राइम नहीं माना जाएगा वुमेन्स के लिए। पहले क्राइम माना जाता कि अगर आदमी कर रहा है तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो वुमेन्स करती है तो उसे क्राइम माना जाता था, ठीक है ना। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अडल्ट्री को, वुमेन्स के लिए अडल्ट्री को खत्म कर दिया, ठीक है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे, अडल्ट्री क्या होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अडल्टेशन, मिक्सिंग या फ्लैटरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें आप, एटलीस्ट मुझे पता चलना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ उसमें कोई नीड चेंजेस की जरूरत है या नहीं, या फिर आपका कोई कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू, होप सो दिस आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों, अब ये डेली आएंगी, ठीक है ना। थैंक यू।